गाइस तो कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक जबरदस्त। और जिस गाड़ी का आज हम रिव्यू करने वाले हैं 1988 मॉडल है एंड 95 का कोटा है। तो कोटा तो आप समझते हैं ना। तो गाड़ी फॉर सेल है एंड ग्रे कलर में है गाड़ी और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है बाहर से और अंदर से भी। तो रिव्यू की तरफ चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और गर्मी हो गई है, मतलब कि अभी हल्के हल्के बादल है लेकिन मतलब हवा नहीं चल रही ना, तो बहुत ही किस्म मतलब हबस बनी हुई है। लेकिन रिव्यू तो बनता है। अभी गाड़ी यहाँ पर मैं अपनी ठीक करवाने आया था, सोचा यार गाड़ी यहाँ पर ये मुझे बंदा मिल गया, उसने मैंने कहा है तो कहता है ठहान है गाड़ी फॉर सेल भी है और आप मतलब एक रिव्यू बना लें। तो रिव्यू की तरफ चलते हैं, तो ज़रा सा मैं आपको इसका डिटेल दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह गाड़ी की लुक देख लें कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। एंड ये आ गया इसके डैशबोर्ड। और पहले बात करते हैं इसकी स्टेयरिंग की। तो ये इसके स्टेयरिंग है एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है जी हारन का बटन, यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक तो वाइपर का, एक दूसरा इसका मतलब बैक साइड की इवेंट स्क्रीन का बटन दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एसी के इवेंट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा डैश स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, आरपीएम मीटर मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है टेम्परेचर का एंड यहाँ पर आपको फ्यूल का मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर मिडम में, तो मिडम में आपको एसी के इवेंट्स दिए जाते हैं। ये मतलब है आपको जी डीवीडी मिल जाती है जो कि मतलब आप सीडी लगा के आप म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है जी इसका वाल मतलब घड़ी मिल जाती है। यहाँ पर आपको डबल इट इंडिकेटर का बटन दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको मिल जाता है जी एसी के इवेंट्स वगैरह के बटन एंड यहाँ पर सीट्स के हाई लो के बटन मिल जाते हैं एसी के एंड हीटर के। ओके, यहाँ पर ओरिजिनल जो गाड़ी के अंदर आता है इसका MP3 वगैरह सिस्टम। और यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाता है जो कि आप मतलब कुछ चीज़ वगैरह यूएसबी वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक दूसरा मिल जाता है जहाँ पर अपने कागजात वगैरह जो कि मतलब गाड़ी जब मोटर के ऊपर होती तो कुछ कागजात वगैरह कुछ मतलब पैसे वगैरह रखने हो तो यहाँ पर बंदा रख सकता है। यहाँ पर सिगरेट लाइटर का मतलब ऑप्शन दिया जाता है एंड ये मतलब है कि सिंजी इसके अंदर स्टॉल है तो वो मतलब इन्होंने आफ्टर लगा रखी है। आपको फिफ्थ गियर गाड़ी गियर मिल जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फाइव एंड बस आपको चीज मिल जाती है। यहाँ पर आपको हैंडब्रेक का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आपको जी साइड मिरर्स का ऑप्शन दिया जाता है जो कि मतलब आप साइड मिरर कंट्रोल कर सकते हैं और उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और जिस तरह की मेरी गाड़ी है वहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है लेकिन 88 के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक कंसोल दिया जाता है, छोटा सा बॉक्स एंड एक ऊपर दिया जाता है और इसके ऊपर ढक्कन माशाल्लाह हाईवे, ठीक है। तो डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है। यहाँ पर थोड़ा बहुत उखड़ा हुआ है तो इसके अलावा यहाँ पर आपको चीज़ वगैरह रख सकते हैं, इस तरह डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो नीचे आपको एक बॉक्स दिया जाता है एंड यहाँ पर नीचे भी आपको मतलब है कुछ मतलब एक आप बोतल वगैरह रख सकते हैं, एक ऑफ एंड छोटा सा किसी काम के तो नहीं लेकिन चलो पेंसिल वगैरह ग्लासेस वगैरह आप रख सकते हैं। वहाँ पर आपको एसी का बटन दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं आपको एक मतलब कि शीशा मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी मतलब मिरर वगैरह नहीं मिलता एंड यहाँ पर भी आपको हाँ यहाँ पर आपको एक मिरर दिया जाता है जिससे अपना आप चेहरा मुबारक देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा रूफ़ की बात करते हैं। रूफ़ आपको माशाल्लाह अच्छी हालत में मिल रहा है, एक थोड़ा बहुत गंदा है जिस तरह की अभी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती हैं जो कि गाड़ी स्टार्ट होने के ऊपर ही या मतलब चालू हालत में है या नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता है चालू हालत में होगी। इसके अलावा ये हैंडल्स आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं विंडो की, काफ़ी गर्मी हो गई है। अब बात करते हैं इसके विंडोज़ की। तो यहाँ पर आपको इसका विंडो का अनलॉक का बटन दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको विंडोज़ लॉक का बटन दिया जाता है। आपको जो के फ्रंट वाला मिरर है वो आपको मिल जाता है ऑटो एंड तीसरे में आपको मैनुअल मिल जाते हैं, ठीक है, तीन। इसके अलावा यहाँ पर आप हैंडल है इसको पकड़ने का, यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक का हैंडल दिया जाता है एंड ये आपको लेदर दी जाती है काफ़ी नरम मतलब अच्छी क्वालिटी की और यहाँ पर आपको रिक्तीन दी जाती है। तो नीचे भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं अपने कुछ पेंसिल वगैरह कुछ रख सकते हैं। और पेडल शिफ्टर की बात करें तो मेरे चप्पल माशाल्लाह गुम हो गए यार, गंदा था काफ़ी तो मैंने उतारी। अच्छा ये तो आप मतलब समझते हैं ना, लेकिन मैंने सोचा चलो दिखा देता हूँ। ओके, तो ये आपको यहाँ पर इसकी चौक मिलती है, अगर गाड़ी मतलब स्टार्ट नहीं होती तो आप इसकी चौक खींच के ना तो मतलब कर सकते हैं। तो बैक साइड के ऊपर चलते हैं, मैं आगे बैक साइड के ऊपर। तो यहाँ पर भी आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ही आपको मतलब बुट बुट मिल जाती है, ठीक है। इसका काफ़ी अच्छा मतलब फंक्शन है। यहाँ पर आपको रिक्तीन भी मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको फोई लेदर सी, यहाँ पर आपको मिरर का बटन दिया जाता है, यहाँ पर हैंडल एंड अब मैंने सीट काफ़ी पीछे की है तो अभी भी मैं मतलब है कि मेरा साइज़ मतलब आप देख लें कि लंबा सा हूँ लेकिन फिर भी ये देख लें कि थोड़ा सा आपको फासला मिल जाता है, मतलब कम्फर्टेबल है जगह, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये देख लें। ओके,
तो सीट्स काफ़ी नरम है, तो जो ओरिजिनल हालत में आती है मतलब है कि वो गाड़ी आप देख लेंगे इस तरह ओरिजिनल हालत में आती है गाड़ी, तो थोड़ी बहुत रफ हुई हुई है गाड़ी यूज़, तो जिस तरह की अब ये देख लें यहाँ पर आप मतलब एक आराम से घूमते कर सकते हैं, क्योंकि आप उस ज़माने में यहाँ पर तो ग्लासेस का ऑप्शन नहीं था, मतलब आप पानी वगैरह ग्लासेस रख सकते हैं नई गाड़ियों में, लेकिन पुरानी गाड़ी में ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा है बंदा ये देखें रिलैक्स होके बंदा कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सिगरेट के लिए मिल जाता है ये ऑप्शन, एंड 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 यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल बेकार हैं, तो आप नए लगाने पड़ेंगे। तो गाड़ी अंदर से तो माशाल्लाह ओके है, तो जिस तरह का मॉडल इस तरह की गाड़ी आप देख लें। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, और हाँ यहाँ पर आपको मतलब है कि ये मिल जाता है इसका बटन, अब ये मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, एंड चलो होगा किसी चीज़ का। अब आ गए जी फ्रंट के ऊपर, तो पहले इसकी हेडलाइट की बात करते हैं, तो हेडलाइट देख लें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा प्यारी हैं, साथ में इसकी टिम लाइट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ब्रांड न्यू लगाई गई हैं, ठीक है, और ये वाश की गई है गाड़ी, मेरे ख्याल से हेड लाइट वाश की गई है, ये न्यू लगाई गई इसका मुझे इल्म नहीं है, और ओरिजिनल भी हो सकती हैं एंड मतलब ये आफ्टर मार्केट भी लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा ओरिजिनल गाड़ी के अंदर ये आते हैं जो कि मतलब नाइट टाइम काफ़ी मज़ा देते हैं काफ़ी, एंड या जी इसका साइड इंडिकेटर, यहाँ पर आपको क्रोम की लाइन दी जाती है, और फ्रंट से लेके बैक साइड के ऊपर पूरी एक क्रोम की लाइन दी जाती है, ठीक है, यहाँ पर इसका एंड यहाँ पर आपको ग्रिल दी जाती है क्रोम कलर में, यहाँ पर आपको सी का लोगो दिया जाता है, एंड 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 नाल बोलना अभी यप, ये इसका सुपर लिमिटेड का आपको ऑप्शन दिया जाता है, और जो कि मतलब है कि लिमिटेड एडिशन होती है उसका यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। इसके अलावा मिडम में आपको जी दरवाज़े के ऊपर आपको रबड़ी नुमा मिल जाती है दरवाज़े को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड इसके ऊपर आपको क्रोम की एक लाइन दी जाती है, ये आ गया इसके साइड मिरर, और यहाँ पर इसके आ गए हैंडल, हैंडल के अंदर भी आपको एक क्रोम की लाइन दी जाती है, और यहाँ पर भी आपको एक क्रोम की लाइन की शीट दी जाती है लेयर, ठीक है, और ऊपर भी। इसके अलावा यहाँ पर आपको वाइपर मिल जाते हैं, एंड एंड वाइपर तो आपको पता होगा, एंड बैक साइड भी इसकी माशाल्लाह प्यारी है, एंड आउट साइड की तरफ चलते हैं इधर सब, तो बैक साइड इसकी देख लें माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है। अब चलते हैं इसकी टेल लाइट के ऊपर, तो टेल यहाँ पर आपको एस सी लिमिटेड एडिशन का लोगो मिल जाता है, इसके अलावा टेल लाइट देख लें बैक लाइट इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट, और ये मतलब है कि होती है वैसे शो पीस के लिए, तो यहाँ पर वही इसका बम्पर आ गया, तो यहाँ पर आपको क्रोम की लाइन दी जाती है जो कि ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, ये बम्पर पेंट किया गया है और आफ्टर मार्केट उन्होंने ये क्रोम लगा रखी है, मतलब की हुई ओरिजिनल इसकी जो है ना वो ख़राब हो गई थी शायद, तो माशाल्लाह इसकी लुक देख लें, एंड यहाँ पर आपको फ्यूल का सिस्टम दिया जाता है जो कि मतलब ये अंदर से खुलता है, इसका ऑप्शन मैं आपको दिखा दूँगा, और टायर्स की बात करते हैं तो ये आफ्टर मार्केट इसके टायर लगा रखे हैं इन्होंने अलॉय रिम, एंड सुपर जोयर जोरू कौन सा पता नहीं, नहीं नहीं जुराडो पता नहीं कौन सी कंपनी है, अजीब सी कंपनी है, लेकिन चलो इसके टायर्स लगे हुए हैं, एंड अलॉय रिम पोलो के इसका लोगो, और टायर की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी टायर की कंडीशन आपको मिल जाएगी मिल जाएगी आपको 65% टायर्स मिलेंगे, ओके, तो इस तरह सील्स में आपको दिखाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं सील्स, तो गाड़ी की सील्स में आपको दिखा देता हूँ, फोकस कर यार फोकस, ये आप इसकी सील देख लें, सील की माशाल्लाह बिल्कुल ओके हैं, इसकी मैं गारंटी आपको दूँगा, और यहाँ पर भी आपको गाड़ी ओके मिलेगी, यहाँ पर आपको प्लास्टिक के मिल जाते हैं, ठीक है, एंड 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 यहाँ पर भी आपको क्रोम की एक लाइन दी जाती है, इसकी भी सील्स मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी सील्स आप देख लें, तो ये ज़रा सी डैमेज है लेकिन ओरिजिनल आप देख लें, फोकस, तो सील्स आपको बिल्कुल ओके मिलेंगी, हैंडल्स यहाँ पर इसकी आप लोग देख लें, यहाँ पर भी आपको सीट्स का
एंड यहाँ पर आपको प्लास्टिक ही मिल जाता है। ओवरऑल मैं आपको दूर से लुक इसकी दिखा देता हूँ। फोकस कर लो अब, ठीक है। अब चलते हैं इसकी ट्रंक देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इसका, एक तो मिल जाता है ट्रंक का और दूसरा मिल जाता है आपको फ्यूल डालने के लिए जो ऑप्शन नहीं होता उसका, खाने का बॉक्स का, ठीक है। तो अभी मैं ट्रंक मैंने खोलना है तो ये खुल गया। तो गाड़ी के अंदर से कंडीशन देख लें, पहले तो मैं आपको ट्रंक दिखा देता हूँ। तो ट्रंक देख लें, माशाल्लाह बिल्कुल ओके। एंड आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ अंदर से गाड़ी किस तरह की है। तो अंदर से भी गाड़ी माशाल्लाह कहीं पर आपको डैमेज नहीं मिलेगा, आपको माशाल्लाह ओके मिलेगी। आपको यहाँ पर सीजी का ये मतलब कि स्टार मिलेगा। एंड गाड़ी की अंदर से कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये मतलब इन्हें लगा रखा है ताकि गाड़ी जंग ना करे, लेकिन यहाँ पर इसको गोलू गोलू मतलब कोई जिसने चीज़ लगा रखी है शायद इस तरह की कुछ मुटने वाली कोई चीज़ है। इसके अलावा आपको टायर्स में स्टेपनी इसकी मिलेगी ओरिजिनल। तो यहाँ से गाड़ी को पता चलता है गाड़ी एक्सीडेंट शुदा तो नहीं है, तो ठीक है गाड़ी। अब इसका मैं आपको इंजन दिखा देता हूँ। इसका इंजन ये आ गया इसका इंजन। एंड ये आ गया इसके बोले जो मेन चीज़ ये होती है। तो यहाँ से अंदर इसका फ्रेम बिल्कुल माशाल्लाह ओके। ये इसका आगे 12 वाल इंजन 1300 सीसी इंजन होता है। इसके अलावा इसके अंदर एसी स्टाल है, कंप्रेसर इसका देख लें स्टाल है, हर चीज़ इसकी इसकी विंड्स भी मतलब हर चीज़ इसकी स्टाल है। आपको कौन सी बैटरी है लिहाज से वोल्ट की शायद इसकी बैटरी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो ये गाड़ी आप लोगों के सामने, इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 780,000 इसकी प्राइस है, 780,000। तो मेरी गाड़ी का काम हो रहा है रेडी। तो इसका ट्रंक का मैं काम करवा रहा हूँ कि इसे पेंट करवा रहा हूँ। इसका ट्रंक काफ़ी मतलब ख़राब था तो फ़िलहाल थोड़ा सा ये ट्रंक का काम है वो करवा रहा हूँ। तो इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अपने भाई को दीजिए सलाम। तो टेक केयर, फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय।